नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सरायमीर में अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर बवाल हुआ है। अखिलेश यादव के सामने कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया, जमकर कुर्सियां तोड़ी और पुलिस को बल प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में खरेवा मोड़ पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव जब शुरू कर दिया गया तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गईं और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे। पुलिसकर्मियों को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी भी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि आजमगढ़ में 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर अखिलेश यादव की जनपद में यह पहली जनसभा थी जिसमें इस प्रकार से हंगामा हुआ है। सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आजम मजी साहब। फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है, कि ये आई हुई जनता पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है, ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल का टुकड़ा है। भागा, भागा, निवेदन है। भागा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।